आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, अब देखो प्रोकेरियोटिक कोशिका, जो बच्चों प्रोकेरियोटिक कोशिका को लेकर मैंने पूरा कमिट बता दिया आपको, लेकिन प्रोकेरियोटिक कोशिका में सबसे मुख्य बात जो आप ध्यान दें कि प्रोकेरियोटिक कोशिका में कोशिकाओं की बात जब चल रही है तो उसमें आप लोग जब दीपल आवाज कम करो अपने आवाज को। हाँ, जो प्रोकेरियोटिक कोशिका के लिए क्या करोगे बच्चों, इस प्रकार तैयार करोगे, इधर क्या लिखोगे लक्षण, इधर क्या लिखोगे लक्षण, और फिर उन लक्षणों के सामने उनके नाम लिखोगे और नाम लिखो उनकी विशेषता लिखोगे एक एक करके। जैसे प्रोकेरियोटिक कोशिका में अगर मैं बोलूं कि जैसे लवक की बात हम करते हैं, लवक सुना होगा आपने, लवक जो पादप कोशिका में होते हैं, जंतु में नहीं होते हैं, लेकिन प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है, जंतु प्रोकेरियोटिक और पादप प्रोकेरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की बात अगर हम लोग कर रहे हैं जिन, तो कुछ प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु बात हम करें वो प्रकाश संघ होते हैं, उनमें लवक की जगह क्या बजेंगे जो प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं पाई जाएगी। विशेषता किसकी बताई मैंने, पूरी विशेषता किसकी बताई बच्चों, प्रोकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकेरियोटिक कोशिका की विशेषता आप लिख पाओगे क्या दीपल, लिख पाओगे ज्योति, ज्योति लिख पाओगे, लिख लिया आपने ज्योति, लिख ली क्या आपने प्रोकेरियोटिक कोई विशेषता, ठीक है। आज आपने एक बार और दोबारा देख लीजिए, प्रोकेरियोटिक कोशिका की आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 विशेषता लिखेंगे, कितनी 10। और प्रोकेरियोटिक कोशिका की विशेषता की अगर बात हम करें जो बहुत सी विशेषता लिख सकते हैं, तो मैंने आपको प्रोकेरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाकर उसका समझा दिया है और अपेक्षा की तुम लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये तो प्रोकेरियोटिक कोशिका के बारे में हो गए, अब बात आती है जल्दी, देखो हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक कोशिका को आप लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चों, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका, ठीक है, क्या नाम दिया था विकसित कोशिका, और मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया था यू प्लस कैरियोटिक, और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, और यू का अर्थ क्या होता है स्पीकर आवाज कर बैठो, यूकैरियोटिक बता दिया मैंने आपको। यूकैरियोटिक कोशिका की बात हम करें, ये विकसित कोशिका होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुने, यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिका होती है एनिमल यूकैरियोटिक, और दूसरी कौन सी होती है प्लांट आप बच्चों समझ पा रहे होंगे, एनिमल यूकैरियोटिक कोशिका और प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका, यानी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब एक बार ध्यान दें, यूकैरियोटिक का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका वह होती है जिसमें सभी कोशिकांग हो, वो आकार में बड़ी होती है, केंद्रक उसका विकसित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जीकाय तारककाय रिक्तिकाय सब पाई जाती है, ये ध्यान देंगे। लेकिन मैं पहले आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता चुका हूं, और मैं भी जानता हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, अब ध्यान दें यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, और यूकैरियोटिक का उदाहरण अगर आपको को पूछे तो यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएंगे बेटा पूरा प्रोटिस्टा किंगडम, कौन सा किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके अलावा फिर बाकी जितने भी जो जीव है, जितने भी उच्च जंतु और पादप है, वो सभी किससे मिलकर बनते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनते हैं, तो हमारे में कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका होगी बच्चों, एनिमल होगी, और जो पादप आपके जैसे गेहूं जो चना मक्का बाजरा सर, इनमें कौन सी कोशिका होगी प्लांट यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, समझ आ गया। तो जनरली अभी मैं आप लोगों को बिना डायग्राम बनाए, जो डायग्राम का टाइम नहीं है, बिना डायग्राम बनाए आपको समझा रहा हूं, फिर कल पढ़ेंगे हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो अभी मैं आपको बेसिकली अंतर बता रहा हूं कि एनिमल यूकैरियोटिक और प्लांट यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे, ये तो अंदर थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इसको छोटा कर रहा हूं बच्चों,
आप समझ आ जाएगा जंतु कोशिका और एक पढ़ रहे हैं पादप कोशिका। इधर कौन सी पढ़ रहे हैं? आवाज आ रही क्या? आवाज सही आ रही प्रॉपर? टिंकू आवाज आ रही है? सही आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है। अब देखो पहले एक बार ध्यान दो, जो यूकेडी कोशिका को लेकर मैं कल आप परसों डिस्कस कर चुका हूं, यूकेडी कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ यूकेडी कोशिका, कि यूकेडी कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतुओं में पाई जाती है और पादों में। जैसे हम लोग बात हम करें, पहले बात हम कर रहे बच्चों एनिमल्स है, और सभी एनिमल्स किससे मिलकर बने हुए हैं? पादप किससे मिलकर बने हुए हैं? पादप किससे मिलकर बने कोशिका से। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका आपको मैंने कोशिका सिद्धांत में बने के बताया था, कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने क्या कहा था? मैंने कहा था स्वान और स्लाइडेन, याद करो, मैंने कहा था स्वान और स्लाइडेन ने कहा था कि सभी जंतु और पादप जो हैं वो कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो कॉमन सी बात है, जंतु किससे मिलकर बने होंगे? जंतु कोशिकाओं से, और पादप किससे मिलकर बने हुए हैं? पादप कोशिका। अब ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में परमुख जो डिफरेंट होता है, यानी परमुख जो अंतर होता है, वो क्या अंतर होता है वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। इधर हम लोग ये तो अंतर हो गया, हम लिखेंगे लक्षण, यानी किन आधारों पर हम अंतर कर रहे हैं, किस आधार पर? तो सबसे पहला आधार हमारा होता है सेल वॉल। अब बच्चों हम जानते हैं कि सेल वॉल जंतु कोशिका में बच्चों सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट। अभी जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अभी मैं आपको पढ़ा कह रहा हूं यूकेटिक, और यूकेटिक में भी क्या पढ़ा रहा हूं? जंतु और पादप। जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और पादप कोशिका की बात हम करें तो उसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट यानी बच्चों उपस्थित होती है। और ये भी जानते हैं किसकी बनी होती है? सेल्युलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्युलोज की। ओके, पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका नहीं पाई जाती। सेकंड नंबर की बात हम करें, सेकंड सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल में जंतु कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? उपस्थित होती है। और इसमें भी क्या होती है? उपस्थित। इसका अर्थ क्या हो गया कि सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं में छोड़कर। जो मैंने बताया था वायरस है, माइकोप्लाज्मा की बात हम करें, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये मैंने बता दिया था, अगर आपको याद, बीजीए की बात हम करें, प्रोकैरियोटिक की बात हम बताए थे। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तीसरा अगर बात हम करें, तीसरा वो है बच्चों लवक। आप जानते हैं लवक को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टिड। ध्यान से सुन लीजिए, प्लास्टिड क्या होते हैं? वे कोशिकांग जो कोशिका धर्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं और वर्णकों को धारण करते हैं, वर्णक यानी पिगमेंट्स। और हम जानते हैं कि वर्णक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये लवक तीन प्रकार के होते हैं, अगर पढ़ा होता आप लोगों ने, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये तीनों ही प्रकार के जो लवक आप देख रहे हैं, और जनरली जंतु कोशिकाओं में ये क्या होते हैं बच्चों? अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका अपने आप में क्या होती है बच्चों? विषम पोषी होती है। क्योंकि इसकी वजह से ही जंतु कोशिका क्या होती है? विषम पोषी होती है, मतलब वो अपना पोषण खुद नहीं बना सकती। जैसे कि क्या हम हमारा भोजन स्वयं बना सकते हैं क्या? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे में किसी प्रकार की कोई लवक नहीं है। और कौन से लवक बच्चों? प्रकाश संश्लेषी लवक। और लवक कोशिका में पाया जाता है, वो क्यों किन पाया जाता है? पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। यहाँ पर तो क्या होता है? अनुपस्थित, एब्सेंट। और यहाँ पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ध्यान दो, उपस्थित होता है। और इसीलिए लवक को, पादप कोशिका में लवक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? रसोईघर। यानी क्या बोलते हैं? रसोईघर। ये ध्यान दोगे, किचन ऑफ सेल,
क्वेश्चन ऑफ सेल किसको बोलते हैं बच्चों? एक बार आप सरिता चौधरी आवाज आ रही क्या? सरिता सरिता आवाज आ रही क्या? दिव्या मीणा अपने वीडियो कॉन करो बच्चों, वीडियो कॉन करो एक बार आप। अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है? हाँ सर। ओके, अब देखो तो यहाँ पर क्या हो, पादप कोशिकाओं में लवक क्या होता है पाया जाता है। अभी इतना कर लो, फिर कल एक एक पढ़ेंगे डिटेल से। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और लवक को एक्चुअली पादप कोशिका का क्या बोलते हैं बच्चों? रसोई घर यानी किचन ऑफ सेल बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। और लवक पादप कोशिका में होते, इसीलिए पादप कोशिकाएं क्या होती है बच्चों? स्वयंपोषी होती है, स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफिक। ओके, पढ़ा आपने टेंथ में, ये पढ़ा हुआ टेंथ में, अब याद करो टेंथ का से पहले। ओके, अब आ जाइए चौथे नंबर पर आ जाइए, बात हम करते माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करें, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होता है, इधर भी क्या होता है बच्चों? शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रेजेंट होता है, इधर भी क्या होता है? प्रेजेंट। अब आ जाओ पांचवें नंबर पर, तारककाय। तारककाय को अंग्रेजी क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोसोम। तो देखो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम क्या होते हैं? उपस्थित। उपस्थित। और पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित। कुछ शैवालों को छोड़कर, कुछ ऐसे बच्चों ध्यान दो, यानी कुछ शैवाल, कुछ शैवालों में ये क्या हो सकते हैं? उपस्थित होते हैं कुछ में, लेकिन सभी जो प्लांट होते हैं, जैसे कि पादप की बात हम करें, जैसे कि आवर्त बीजों की बात हम करें, आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म की बात हम करें, जिम्नोस्पर्म की बात हम करें, एंजियोस्पर्म बात हम करें, ब्रायोफाइट की बात हम करें, इन पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। कौन है बच्चों? तारककाय। तारककाय सेंट्रोसोम। अब आ जाइए छठे नंबर पर, लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब लाइसोसोम में जंतु कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों? उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित होता है। अब आ जाइए सातवें नंबर पर, आ जाइए रिक्तिका। और रिक्तिका को आप क्या बोलते हैं बच्चों? वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ओके, अब देखो वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल जंतु कोशिकाओं में या तो क्या होगी बच्चों? अनुपस्थित होगी, उपस्थित, या फिर होगी तो कैसी होगी? छोटी छोटी होगी। अनुपस्थित होगी या तो, या फिर बिल्कुल छोटी छोटी। और पादप कोशिका में जानते, पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है बच्चों? बड़ी होती है। बड़ी, हाँ, वेरी गुड, बड़ी और विकसित। अगर मैं पादप कोशिका बनाकर आपको दिखाऊं तो अभी आप समझ जाओगे, ये पादप कोशिका बना के आपको मैं दिखा रहा हूं जल्दी से। ठीक है बच्चों, रफली बना रहा हूं ना, तो पादप कोशिका में आप देख रहे हैं बच्चों, ये पादप कोशिका देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये जो देख रहे हैं ये रिक्तिका है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका करीब करीब क्या करती है? पूरी कोशिका को घेरती है, ये ध्यान दोगे। इसीलिए पादप कोशिका का केंद्रक जो होता है, केंद्रक वो इसकी परिधि की ओर, यानी इसकी परिधि की ओर पाया जाता है। और जंतु कोशिका में बात हम करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है तो बहुत छोटी छोटी होती है, इसके लिए उसका केंद्रक कहां होता है बच्चों? बीच में होता है, मध्य में। मध्य में, वेरी गुड। अब तो समझ आ गया ना, तो प्रश्न आ जाए, यानी अगर ये आ जाए प्रश्न कि यू कह सकते हैं कि व्हाई डज, आवाज नहीं करेंगे, व्हाई डज प्लांट न्यूक्लियस प्रेजेंट साइड टू पेरिपरल, यानी यू कह सकते हैं कि परिधि की तरफ क्यों पाया जाता है पादप कोशिका में? तो आप क्या बोलोगे? रिक्तिका की वजह से, क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका बन जाती है, इसीलिए उसका केंद्रक परिधि की ओर खिसक जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो नहीं पाई जाती है।
और इसीलिए उसका केंद्रक बच्चों कहां होता है, बीचों बीच तो नहीं बोलूंगा लेकिन बीच में पाया जाता है। अब तो आ गया, तो ये मैंने आज वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखवाया। अब एक लास्ट यहां देखो ऊपर और लिख रहा हूं अंतर, एक और एक अंतर और बता रहा हूं, एक अंतर का आप देखेंगे ये तो आप लिख लोगे। अब एक अंतर लिखोगे माइक्रोविली, माइक्रोविली, माइक्रोविली का मतलब बच्चों सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म में तंतु बोल सकते हैं, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। अब ये सूक्ष्मांकुर जो होते हैं, ध्यान दो सूक्ष्मांकुर प्राय अगर बात हम करते हैं, सूक्ष्मांकुर जंतु कोशिकाओं में कभी कभार क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, हाँ, और पादप कोशिकाओं में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब आप बोलो सर आप ये बोल रहे हो सर हमें माइक्रोविली समझ नहीं आ रहा, तो माइक्रोविली समझाने के लिए इतना सारा कि माना जा रहा कि ये कोई जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका की सेल मेम्ब्रेन से विशेष प्रकार की संरचना निकली होती है, पर अगर उसकी समझे इन्हीं संरचना को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविली बोलते हैं। क्या बोलते हो जो माइक्रोविली, ओके माइक्रोविली पाई जाती है, जंतु कोशिका पाई जाती है। ये उदाहरण की अगर उदाहरण की बात मैं करूं, जैसे कि आपका हम जानते हमारी आर नाल आंत आपने पढ़ी, आंत आंत की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण, अवशोषण। लेकिन पादप कोशिकाओं में माइक्रोविली या विलाई नहीं पाई जाती, ओके जाती, ओके। अब ये तो आपने बता दिया प्रमुख अंतर, अब सबसे मेन जो अंतर मैं बताने जा रहा हूं, सबसे मेन पादप कोशिका पोषण क्या किसके था बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा पोषण के आधार पर प्राणियों को दो प्रकार से बांटा गया है, स्वयं पोषी और विषम पोषी, और पोषण जानते हैं न्यूट्रिशन, एक तो था न्यूट्रिएंट, एक तो था बच्चों पढ़ा न्यूट्रिएंट, एक होता न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट तो क्या होता है, भोज्य पदार्थ, और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, द प्रोसेस इंटेक ऑफ फूड, भोजन लेने का तरीका, भोजन प्राप्त करने का तरीके को क्या बोलते हैं बच्चों, पोषण। और पोषण के आधार पर प्राणियों को तीन प्रकार दो प्रकार बांटा गया होगा, स्वयं पोषी विषम पोषी। तो हम जानते हैं कि पोषण के आधार पर जंतु कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, विषम पोषी, जिसे आपको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक पढ़ा आप लोगों ने टेंथ में। और ये पादप जो होते हैं, पादप कोशिका क्या होती है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, ओके स्वयं पोषी, स्वयं पोषी। वे जीव जो अपना पोषण खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, याद होगा, याद होगा आपको। तो ये मैंने आपको अंतर बताए प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका। अब आप आज क्या करो बच्चों, देखो कल मैं आपको जंतु कोशिका का डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, लेकिन आप सही बताए एक बार वीडियो चालू करो, साहिल, दीपल, श्वेता, दिव्या, मीना अपने वीडियो चालू करो, भावेश, ठीक है। अब बच्चों मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, आज का टॉपिक समझ में आया क्या आपके, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा समझ आया, समझ आ रहा है क्या आपके, टिंकू समझ आ रहा है, ज्योति, ज्योति, जैसे सर समझ आ रहा है आपके, जैसे होगा वीडियो, वीडियो सीधा करो बेटा, जैसे वीडियो सीधा करो, ठीक है, ओके। निकिता समझ आ रहा है, अब आज क्या करोगे, आप क्या करोगे, आज का प्रश्न क्या है, प्रोकेटी कोशिका का और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कितने अंतर लिखोगे बच्चों, 10 अंतर, कितने, 10, राइट, 10 डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आप जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर लिख पाओगे, लिख सकते हैं क्या, अपने आवाज को हाँ आवाज ऑन करोगे, करोगे, ठीक है। अब मैं आपकी क्लास ऑफ कर रहा हूं, अभी जो है ना मेरी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली, तो कल हम लोग प्लांट कोशिका जंतु कोशिका पढ़ेंगे, कल हम प्लांट कोशिका का चित्र बनाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाकर और उसका डेटा समझाऊंगा, ओके बच्चों, ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग।
Thank you.